हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों की डिमांड पर आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने कहा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की मेरी प्रिपरेशन करवा दीजिए, तो डेफिनेटली यार मैंने आपका वोकैब्स का आपसे वादा किया था। एडवांस मैथ्स में मैंने आपसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन का वादा किया था। इसके अलावा फ्रेंड, वोकैब्स और इडियम एंड फ्रेसिस दोनों की दोनों बुक्स मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर की हुई थी। और इसके साथ ही अब डिस्क्रिप्टिव का भी बहुत बेस्ट मटेरियल मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। इस बुक के लिए भी काफ़ी टाइम से मैं लगा हुआ हूँ, रात रात भर जग के मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो प्लीज़ इस, क्योंकि मैं इसके सारे टॉपिक भी आपको जो है वो करवा दूंगा, तो ये बुक्स बहुत ही बेस्ट है और सबसे कम प्राइस पर मैंने ये बुक रखी हुई है। और इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें आपको मिलेंगी एग्ज़ाम से रिलेटेड, और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई लैंग्वेज आपको टफ मिलेगी। मैं आपको आज एक चाइल्ड लेबर का जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पर करवा देता हूँ। थोड़ा सा बुक पे भी आप नज़र देख लीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बुक्स और बहुत ही बेस्ट बुक है ये। काफ़ी टॉपिक जो है वो आपके इसमें से कवर होंगे। बहुत ही बेस्ट है ये, मतलब मैंने इतना बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट है आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे पढ़ते हैं हम चाइल्ड लेबर का जो आपका टॉपिक है। देखिए, इफ़ यू वांट टू सी गोल्ड लाइनस वॉच ए चाइल्ड स्माइलिंग। देखिए, गोल्ड लाइन्स का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग डिवोटली रिलीजियस और पिटी। तो इफ़ यू वांट टू सी गोल्ड लाइनस वॉच ए चाइल्ड स्माइलिंग, द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड रिवील्स द प्योरिटी ऑफ हिज हार्ट, बट सैडली दिस वर्ल्ड दैट इज़ फुल ऑफ क्रूअल ह्यूमन beings and the universal disease called poverty have not left this beautiful and innocent form of life untouched। मतलब जो हमारी कुदरत की इतनी प्यारी चीज़ है उसको पावर्टी ने जो है वो पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया है, झंझोड़ के रख दिया है। उसके बाद देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर अ ग्राउंड रियलिटी, अ सोशल क्राइम एंड अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब इन तीनों चीज़ों के बराबर उसने इस चीज़ को कहा है कि एक सोशल क्राइम भी है या फिर एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ये एक क्राइम है। और द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर की एग्जिस्टेंस को उन्होंने इन चीज़ों से कंपेयर किया है। वी स्टील अवे द इनोसेंस ऑफ चाइल्ड, जो कि एक बच्चे की इनोसेंस को स्टील कर लेता है, चुरा लेता है, एंड लीव्स हिम एज अ मशीन इन दिस क्रियोल वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स, द मोस्ट सेवेज एनिमल ऑफ दिस वर्ल्ड। अ गुड प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया, फॉर्म ए पार्ट ऑफ टॉयलिंग। टॉयलिंग का मतलब होता है वर्क हार्ड। फॉर्म ए पार्ट ऑफ टॉयलिंग मासिस डेस्ट्यूट डिप्राइव्ड एंड डिसएडवांटेज्ड। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम डेट मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर्स इज इन इंडिया। तो ये एक शर्म की बात है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर हैं वो हमारे भारत में हैं। एज पर द गवर्नमेंट डाटा, द नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज़ अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़। 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो चाइल्ड लेबर्स हैं यहाँ पे। दे वर्क इन फील्ड एंड फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, एट स्ट्रीट कॉर्नर्स, स्ट्रीट के कॉर्नर्स में काम करते हैं, एंड इन गार्बेज डंप्स, और गार्बेज के डंप्स पे जहाँ पे डंपिंग साइट्स हैं वहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। विद लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड नो सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दीज चिल्ड्रन कैन डू मच हार्म टू द सोसाइटी। देखिए, इतने बेस्ट तरीके से मैंने आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं, टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये आपके नोट्स हैं, और काफ़ी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए की है। और आपके एग्ज़ाम, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, MTS हो, आपका CGL का हो, CHSL का हो, या फिर जितने भी एग्ज़ाम में आपका मतलब डिस्क्रिप्टिव के आपके एग्ज़ाम होते हैं, बैंकिंग का हो, तो हर चीज़ ये कवर करेगा, क्योंकि मैंने हर तरह के इसमें लेटर्स और ऐसे लिए हैं। फॉर्मेट भी मैंने इसमें आप लोगों को बताया हुआ है, तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कोई बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। और डेली मैं अपने चैनल में आपको एक कंटेंट बना आप लोगों को जो है वो बताता रहूँगा। यहाँ पे देखिए, एंड उसके बाद देखिए, विद लो लेवल ऑफ एजुकेशन एंड नो सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीज चिल्ड्रन कैन डू मच हार्म टू द सोसाइटी इफ़ दे आर नॉट गिवन प्रोटेक्शन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। उसके बाद देखिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, पॉवर्टी इज़ द मेन एंड पेरेंट कॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया।
उसके बाद देखिए इनइफेक्टिव लॉज एंड मोर ऑफन लैक ऑफ पॉलिटिकल विल टू इम्प्लीमेंट दैम एंड सोशल अवेयरनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है जो आपको समझना है, बिल्कुल ईजी सी लैंग्वेज है। चाइल्ड लेबर्स आर प्रेफर्ड बाय मैनी एम्प्लॉयज एज दे वर अवेलेबल एट चीप रेट्स, मतलब उन्हें सस्ते में पड़ जाती है वो लेबर एंड कम विद आउट मच लाइबिलिटी। उसके बाद देखिए दे आर ईजी टू बी मोल्ड टू डिफरेंट सर्कमस्टांसिस, उनको अलग अलग सर्कमस्टांसिस में ईजिली आप उनको चेंज कर सकते हो, मतलब कुछ भी काम बोलो तो वो ईजिली करने लग पड़ते हैं। तो क्योंकि भाई बच्चे हैं तो उनको कुछ भी पता नहीं है कि उनका शोषण हो रहा है, तो वो ईजिली मोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद देखिए बट लैक ऑफ एजुकेशन गेम्स एंड फन मेक दैम मैकेनिकल एंड हैम्पर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट, हैम्पर मतलब बाधा डालना, हैम्पर देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट। उसके बाद देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द 14th इन एनी हैजार्डस इंडस्ट्री अंडर आर्टिकल 24। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप चाइल्ड लेबर के बारे में कोई भी ऐसे लिखना चाहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपको चाइल्ड लेबर होती क्या है। चाइल्ड लेबर आप थोड़ा सा मेंशन कीजिए कि किस तरह से चाइल्ड लेबर हो रही है, फिर कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के बच्चों के लिए चाइल्ड लेबर जो है वो मानी जाती है, और कोई संविधान में भी आपको पता है इसके रिगार्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि प्रोहिबिट करता है कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको हैजार्डस इंडस्ट्री में काम करवाना बिल्कुल गैर कानूनी है। अगर कोई संविधान को उल्लंघन करता है तो फिर उसको सज़ा भी दी जाती है, और सज़ा देने वाले होते हैं आपके जो आपके न्यायालय बने होते हैं जिनमें लॉ वगैरह बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग आईपीसी की अलग अलग धाराएं होती हैं जिसके अकॉर्डिंग वो जो है वो सज़ा का अलग अलग तरीक़ों से प्रावधान है। उसके बाद देखिए द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986 वर आल्सो अ वेलकम स्टेप, द देयर एम्प्लॉयमेंट एट होम एज डोमेस्टिक हेल्प एंड एट ढाबाज हैज़ आल्सो बीन बैंड बाय द अमेंडमेंट मेड इफेक्टिव फ्रॉम 10th October 2006. The amendment include houses, hotels, dhaba, restaurant, etc. In a part A of the Child Labour Protection and Regulation Act, जो कि 1986 में आया था, by recognizing the above mentioned places as places of hazardous occupation. But the reality is far away from what was expected. In spite of various safeguards provided in the different act, the existence of child labour is still shocking reality. Hunger and starvation push the poor children to do some kind of, you know, odd jobs. More often the parents in greed of some extra income push their children to do various odd jobs. But there is also another stark reality. Stark ka matlab yahan pe maine niche likha hua hai, stark matlab ek tarah se complete reality, ekdam sharp reality hai jo ekdam se abrupt and to child labor without any सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ हंगर, मतलब यही है कि जो भूख है, हंगर है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जो मजबूर कर देती है उनको इन और जॉब्स को करने के लिए। उसके बाद देखिए स्टारवेशन एंड पॉवर्टी में रिलेट टू द मोर ग्रिम एक्सप्लोइटेशन, ग्रिम मतलब काफ़ी सीरियस, द प्लाइट ऑफ द पुअर चिल्ड्रन वुड बी मोर सीवियर इफ दे आर सडनली डिप्राइव्ड ऑफ द their livelihood. उसके बाद देखिए crime, prostitution and destitution can hardly be a better fate than child labor. But at the same time with this huge population of child labor, the dream of the developed India seems distant. कि एक ऐसे देश में जहाँ पे ये छोटे बच्चों से इस तरह की hazardous conditions में काम करवाया जाएगा तो क्या तो वो देश का भविष्य बनेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक देश की डेवलपमेंट होना, उसका सपना देखना बहुत दूर है, जहाँ पे एक देश के छोटे छोटे बच्चों को फैक्ट्री में काम करना पड़ता है और उनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, सिर्फ अपनी एक भूख को शांत करने के लिए उनको फैक्ट्रीज में काम करना पड़ता है, तो वो एक ऐसा इंडिया डेवलपमेंट से कोसों दूर है। तो यहाँ पे चाइल्ड लेबर का मेरे ख्याल से बहुत ही बेस्ट, जितना बेस्ट मटेरियल हो सकता था मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको एक पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा,
अब बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, लेटर्स भी हैं इसमें और एसेज भी हैं, फॉर्मेट भी है कि कैसे कैसे आपको क्या क्या लिखना होता है एसेज में, तो वो सब कुछ दिया हुआ है। देखिए आपने जीके पढ़ ली, ठीक है, आपने इंग्लिश पढ़ ली, आपने ग्रामर पढ़ ली, इन सारी चीज़ों को कंपाइल करके ही तो आपको एसे और लेटर्स बनाने होते हैं। अगर सपोज़ करो आपने चाइल्ड लेबर का एसे लिखना है, तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, आप जीके में पढ़े होंगे कि 24th आर्टिकल जो है वो मना करता है कि 14 साल से बच्चों को आप, कम उम्र के बच्चों को आप फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते, हैजार्डस कंडीशंस में आप उनको काम नहीं करवा सकते, वो एक दंडनीय अपराध है। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन उनको एक मोल्ड करना आना चाहिए। तो वो चीज़ जो है वो आप यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ के आप एक एनालाइज ले पाओगे। और डेली मैं कुछ ना कुछ करवाता रहूँगा, डेली आपको एक एसे या फिर एक लेटर मैं आपको करवाऊँगा। और यहाँ पे मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ईडीएम एंड फ्रेसिस दो वोकैब बुक और ये वाली जो बुक है, मतलब जिनके पास ईडीएम एंड फ्रेसिस की बुक अभी तक नहीं ली है या फिर जिन्होंने वोकैब की बुक नहीं ली है और जिन्होंने ये वाली बुक जो है वो अभी लेनी है, तो जिनके पास दो बुक्स हैं तब तो उनको ऑलरेडी ये वाली बुक ले लेनी पड़ेगी अलग से। लेकिन तीनों बुक्स अगर आप एक साथ लेते हो, तीन नहीं चार बुक्स, दो वोकैब्स की और एक आपकी ईडीएम एंड फ्रेसिस की जो कि बहुत बेस्ट बुक है, और एक ये वाली बुक्स, देखिए मैं अपने कंटेंट जो डालता हूँ ना अपनी वीडियोस में वो बहुत ही बेस्ट रहता है, तो उसकी आप फिक्र मत कीजिए। काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो सराहा है इन सारी चीज़ों को। तो ये सारी टोटल डिस्काउंटेड प्राइस आपको 125 रुपीज़ में मैं आपको ये चार चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। आप मुझे गूगल पे से कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्टली मेल कर दूँगा, सभी को मेल आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है जो पे करता है। इसके अलावा इंस्टामोजो से डायरेक्ट अगर आपको सिर्फ यही ख़रीदनी है तो उसका भी इंस्टामोजो पर लिंक है। काफ़ी कम प्राइस में मैं सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ईडीएम एंड फ्रेजेस के भी लिंक हैं, वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल को विज़िट कीजिए। एडवांस मैथ्स की बहुत ही बेस्ट वीडियोस बनाई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, अगर आपको देखनी है तो देख लीजिए, कंप्लीट है वो कोर्स पूरा। और इसके साथ ही पूरा का पूरा एसएससी का कंटेंट वीडियोस मैथ्स की मैं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपने चैनल पे हमेशा डाल के रखूँगा, कभी डिलीट नहीं करूँगा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।